कि आपके आप इनमें से कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे हैं? जी इन्हें तो प्राइवेट चल, उन्हें तो है केपी। ये तो मान काफी कर रहे हैं, एक में से तीन बच्चे और एक में से एक बच्चा, क्यों? जी ना मोहब्बत मांग रहे हैं। देखो अभी भी शादी कितने से बाद भी उनको आपसे मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन असल तो मेरी मशीन अच्छा काम करने दूंगी, मशीन ढीला काम करने दूंगा, एक दिन मैं इसको फायदा दिलाऊंगा। गाले कूजे तुम। मामा कैसे लगते हैं? मामा का मामा तो हमारी जान है। मामा जी जान है, बिल्कुल जान है। मामा के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं, और इनसे हमारा एक दिली लगाव है और हमेशा है और हमेशा रहेगा। हमें तो सरकार चाहिए और सरकार से काम चाहिए। हमने कभी इसमें ये नहीं देखा है कि कोई फर्क होता है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जाता है, पर मुझे नहीं लगता है हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर वो अपने अभी जिस तरह से मैं आपके सामने आगे बीच में बोल रही हूं, तो जाहिर सी बात है मुझ पर भी एलिगेशन उठेंगे। पर मैं तो हक के साथ हूं और सच के साथ हूं और सच बीजेपी के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। अनिल जी, क्या पूरा मामला है? और आप अनशन पर बैठे थे और आज आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या पूरा मामला था? देश में जनसंख्या असंतुलन को लेकर, यानी एक समाज एक दो बच्चे तक से एक तरफ आठ आठ दस दस बच्चे, और ये जनसंख्या की असंतुलन जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ हो 76 वर्ष पूर्व, पूरे भारत विभाजन की स्थिति न बने, इसको लेकर 10 वर्षों से जनसंख्या समर्थन फाउंडेशन अभियान चला रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। हमारा कहना है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठे देश के सभी नागरिकों पर ये कानून लागू हो।